अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर, वसीर मार्केट चैनल पर आप तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक ईएमए विद आरएसआई। फ्रेंड, ये बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो बहुत सिंपल है, समझने में भी आसान है और बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल है। तो चले फ्रेंड, इसको हम डिस्कस करते हैं। जी फ्रेंड, तो यहाँ पे हम MT4 के ऊपर हैं। यहाँ हम सबसे पहले अपने कुछ इंडिकेटर लगाएंगे। तो इंडिकेटर लिस्ट में क्या है, यहाँ से हमने ट्रेंड इंडिकेटर एक चूज़ करना है, हमने जो मूविंग एवरेज है इसको सेलेक्ट करवाया और हमने इसका टाइम पीरियड जो है, जो पीरियड है इसका हमने जो सेलेक्ट करवाना है वो 50 का है। और यह मेथड जो हमारा एक्सपोनेंशियल होगा, यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी से कलर को चूज़ कर लेना है और यहाँ पे हमने इसको लगा देना है। इसी तरह हमने एक और मूविंग एवरेज को यहाँ पे लगाना है, वो है फ्रेंड 30 की, और इसका कलर हमने कोई और कर देना है। हमने इसका कलर वाइट कर दिया ताकि थोड़ा सा हमें डिफरेंस पता चलता रहे कि वो कौन सी मूविंग एवरेज है और ये कौन सी मूविंग एवरेज है। ये फ्रेंड दो हमने मूविंग एवरेज लगाई, एक्सपोनेंशियल एक तो 50 की थी और दूसरी 30 की थी। अभी हमने करना क्या है कि एक ऑसिलेटर को लेना है। ऑसिलेटर हमारे पास है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको हमने सेलेक्ट करवाया फ्रेंड। तो इसकी कुछ सेटिंग इस तरीके की होती है फ्रेंड कि हम यहाँ पे हम रीसेट कर लेते हैं इसको दोनों साइडों पे। तो ये सेम इस तरीके की है, हम अगर सेम टू सेम इस तरह लगाते हैं तो आपको इस तरह की नज़र आएगी। तो हमने अपने मुताबिक उसको सेट करना है। तो चले फ्रेंड इसको देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में गए। सबसे पहले जो है इस लाइन को, जो ये वाली लाइन है, इसको हमने थोड़ा सा अच्छा करना है, कलर थोड़ा सा हमने अच्छा करना है इसको, और इसको थोड़ा सा बड़ा मोटा किया, इसको थोड़ा थिकनेस इसकी बड़ी की, ये इस तरीके से नज़र आएगी फ्रेंड। दोबारा हम इसकी प्रॉपर्टी में गए और हमने इसके लेवल, जो भी लेवल पे आए हम, लेवल ऑलरेडी जो दो होते हैं वो ऑटो होते हैं इसमें, जो ऑटो फीड होते हैं इसमें, आपने एक लेवल को और यहाँ पर ऐड करवा लेना, वो है 50 का। नीचे जो आपको देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ये देख रहे हैं कि ये लाइन लगी, दो लाइन लगी हैं, एक ऊपर की है जो 70 के है और एक 30 की है, एक हमने और ऐड कराई 50 की। तो अभी हमने अगर सेम टू सेम रहने देते हैं तो ओके करते हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि एक जो लाइन है दरमियान में, मिड में, जो हमने एक नया ऐड करवाया है यहाँ पे एक लेवल, वो 50 का है। तभी हमारे पास तीन लेवल हो गए हैं। आप सबसे पहले हमारे पास 30 है, फिर 50 है, फिर 70 है। तो इसी तरह इस पूरे चार्ट के अंदर हमने जो चीज़ें ऐड की हैं, एक तो हमने 50 की मूविंग एवरेज है, आप देख रहे हैं रेड कलर की है जो एक्सपोनेंशियल है, दूसरी है 30 की मूविंग एवरेज है जो एक्सपोनेंशियल है, इसका कलर वाइट है, और एक RSI है जो हमने सेटिंग ज़्यादा चेंज नहीं की, सिर्फ एक लेवल हमने ऐड करवाया है और वो लेवल है 50 का। तो फ्रेंड ये स्ट्रेटजी किस तरीके की है हम थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करते हैं। पेयर हमने सेलेक्ट करवाया है यूरो USD। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने देखना है कि हमने इसके अपनी मूविंग एवरेज को RSI के साथ मैच करके हमने ट्रेड करना है। वो किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट किया कि फ्रेंड यहाँ पे हमको देखते हैं कि जैसे ही कोई ट्रेंड चेंज होता है, फर्स्ट किया कि यहाँ पे सेल का ट्रेंड था और नीचे मार्केट सेलिंग हुई, यहाँ से अभी मार्केट जो मूव करती हुई ऊपर गई, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मार्केट नीचे आई तो RSI जो है वो तकरीबन 30 से भी नीचे चले गई। टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे H1 का यहाँ पे लगाया है, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 15 से लेकर आप H4 तक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जितना ज़्यादा देर बैठ सकते हैं उस हिसाब से आप अपना टाइम सेलेक्ट कराएँ, लेकिन जो 1 आवर है बेहतरीन एक टाइम, बेहतरीन टाइम है, इसमें आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड। आप ये यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे काफ़ी देर मार्केट रहा, थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब करती रही कि क्या करें हम, यहाँ बाय करें या सेल करें, यहाँ क्लियर नहीं है, मूविंग एवरेज ने यहाँ क्लियर नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ से आपने अपनी यहाँ पे क्या करना है कि नीचे चल जाना RSI पे, RSI पे आपने देखना है कि क्या जहाँ पे हमारी मूविंग एवरेज की 50 के ऊपर है अगर मार्केट, तो यहाँ पे क्या हमारी जो RSI है वो 50 के ऊपर है, तो यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिला कि बिल्कुल यहाँ हमारे ऊपर 50 के ऊपर मूविंग एवरेज है, यहाँ पे जहाँ मैंने माउस रखा हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से भी हमारे मूविंग एवरेज के भी बिल्कुल मार्केट ऊपर है, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। जैसे हमने बाय यहाँ से की तो हमने ये यहाँ पे तकरीबन 24 पिप का यहाँ पे हमने
अपना स्टॉप रखना है। जो नीचे वाली कैंडल है उससे कम से कम 3 पिप हमारा नीचे का स्टॉप होना चाहिए। तो फ्रेंड ये हमारी बेहतरीन ट्रेड होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से अपने जैसे लगाई और आप मसलसल देख रहे हैं कि मार्केट हमेशा काफ़ी देर तक यहाँ से बाई में रही। यहाँ तक आप देख रहे हैं 122 पिप तकरीबन मार्केट जो है यहाँ पर जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ तब तक आप मूविंग एवरेज की तकरीबन ऊपर ही रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप एक अच्छी यानी कि ट्रेड ले सकते हैं आरएसआई को देख के। इसी तरह आप मैं दोबारा एक और ट्रेड आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे आप एक लेवल देख रहे हैं, यहाँ पे एक लेवल देख रहे हैं। यहाँ पे मार्केट दोबारा जब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गई, तो आपके जहन में होना चाहिए कि जब भी मार्केट कोई लेवल ब्रेक करती है सही तरीके से, जहाँ से ब्रेकआउट होता है तो वो एक लंबी कैंडल होती है जो आपको एक सिग्नल दे रही होती है कि यहाँ मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो उसके बाद आप बिल्कुल तैयारी पकड़ लें अपनी ट्रेड की, वेट करते रहें। जैसे ही आप वही पेयर की मार्केट जैसे ब्रेकआउट के बाद दोबारा रिटेस्ट करती है, जैसे आप देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे मूविंग एवरेज पहले उसने 30 की मूविंग एवरेज को टच किया, उसके बाद 50 की मूविंग एवरेज है, जैसे इसको रिटेस्ट किया तो मार्केट आस्ता आस्ता नीचे आनी शुरू हो गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ छोटी सी बड़ी कैंडल है, इनकी निस्बत थोड़ी सी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाई है मार्केट ने। जैसे बड़ी बनाई और मार्केट मूविंग एवरेज 30 के नीचे आई तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आपको यहाँ पर 50 के नीचे आपकी आरएसआई मिल रही है। तो यहाँ से आप बेहतरीन एक ट्रेड लगा सकते हैं और आपका स्टॉप देखें 18 पिप का आपका स्टॉप है और यहाँ से आप बैठ सकते हैं और यहाँ तक तब तक आप बैठ सकते हैं जब तक आपकी आरएसआई 30 तक नहीं पहुंच सकती। देख लें 60 पिप हैं या जैसे ही 60 तक पहुंची आप तो यहां से आप निकल सकते हैं और यहां से आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। दोबारा आप वेट करें तब तक जब तक ये 50 के पास आपकी मूविंग एवरेज नहीं आती, सॉरी आरएसआई नहीं आती। तो आप जैसे ही ये 50 तक आई तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो बेसिकली हमारी वाइट वाली जो मूविंग एवरेज है बेसिकली ये रिटेस्ट का काम करती है, ये रिटेस्ट के लिए ये बेहतरीन है। अगर मूविंग एवरेज को टच नहीं किया 50 वाली को तो वो 30 वाली को टच करेगी, तो वहाँ से आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे आपको एक अच्छा सिग्नल मिला तो यहाँ पे दोबारा बैठ सकते हैं और यहाँ से आपको फिर 30 पिप यहाँ से मिल रहे हैं। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा और कोई और सिलेक्ट करवा लेते हैं करेंसी को, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। हमने पाउंड वर्सेज USD डॉलर को हमने यहाँ सेलेक्ट करवाया, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आपने कल भी मैंने जैसे मूविंग एवरेज की आपको ट्रेड बता रहा था, कुछ लोग समझ रहे हैं कि कुछ सवाल मुझसे कर रहे हैं कि भई हमें कोई बहुत से एडवांस कोई स्ट्रेटजी को इस तरह की बताएं, तो अर्ज़ ये है कि स्ट्रेटजी जो भी आप पकड़ लें जिस पे आपका हाथ बैठ जाए उससे अच्छी कोई स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती। अगर आपको मूविंग एवरेज पर आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपका हाथ इस पर पक्का हो गया है, तो इससे अच्छी समझे आप दुनिया में कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये आपके लिए बनी है और ये आप इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। इसलिए आपको मैं यहाँ दर्जनों स्ट्रेटजी बता दूंगा, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये होगा कि आप उस स्ट्रेटजी को जिसको आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा इलम है, उसको और अच्छा करें, बेहतर करें, पॉलिश करें, बेटर करें और अपनी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाएं। अगर आप समझेंगे कि ये नहीं, ये मैंने सीखा हुआ है, मुझे पता है, मुझे और स्ट्रेटजी बताओ, तो इस तरह तो मैं बताता रहूँगा। वो तो मेरा काम ही यही है, मैं आपको ये चैनल ही इसीलिए बनाया कि आपको मैक्सिमम नॉलेज दूँ, हर स्ट्रेटजी को आपको मुतारफ़ कराऊँ, टच कराऊँ, लेकिन काम आपने करना है। आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी, आपकी अपनी एक्यूरेसी होगी। मैं आपको जितनी चाहेंगे मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अल्लाह ने मुझे दिया हुआ इलम दिया हुआ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जितना चाहते हैं मैं जिस स्ट्रेटजी को चाहते हैं उसको मैं टच कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा अपने हिसाब से, आस्ता आस्ता मैं ऊपर जाऊँगा। लेकिन ये है कि बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जो आपके पास आ रहा है वो आप उसको गनीमत जाने, उसको अच्छे तरीके से सीखें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, वहीं से आप प्रॉफिट, वहीं से कहने चश्मा निकलेगा। जो जो चीज़ आपके पास पहुंच रही वहीं से आपने गेन करना शुरू करना है अल्लाह के फजल से। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कोई भी एक पकड़ लें उस पर आपकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। तो फ्रेंड चलिए आप देखते हैं, यहाँ पर देखें जैसे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से आप देख रहे हैं पाउंड का, यहाँ से आप समझे कि आपको ट्रेड नहीं मिली, मिस हो गई,
तो आप वेट करें, रिटेस्ट का वेट करें, आपको बेहतरीन अगर ट्रेड लेनी है तो ये देखें। जैसे मार्केट ने आसा आसा ऊपर गई, मूविंग एवरेज को टच किया, रिटेस्ट किया 50 वाली को, और जैसे एक छोटी सी बड़ी कैंडल बनाई आम कैंडलों की निस्बत, उसी तरह एक की रिवर्स कैंडल बनाई, तो इसका मतलब रिजेक्शन कर दी है मार्केट ने, और यहाँ से आपको रिटेस्ट ट्रेड बेहतरीन यहाँ से मिल रही है। तो यहाँ से आप ट्रेड पे बैठ सकते हो। आपने दोबारा चेक करना है कि यहाँ पे जहाँ से मैं बैठने लगा हूँ, क्या हमारी जो RSI है 50 के नीचे है। अगर वाकई है तो आप यहाँ से बिल्कुल बैठें, और यहाँ आपका छोटा सा स्टॉप है, यहाँ स्टॉप दें, और यहाँ आप देखें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट माशाल्लाह 100 पिप मिल रहे हैं, और आप यहाँ पे भी आप निकल सकते हो, क्योंकि आपकी यहाँ पे RSI 30 पे पहुँच गई है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह मिलने जा रहा है। तो यहाँ फ्रेंड, ये एक समझे कि एक स्टैंडर्ड की स्ट्रेटजी और बेहतरीन स्ट्रेटजी, और बड़ी सिंपल है, कन्फ्यूजन पैदा नहीं करती है इस स्ट्रेटजी में, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हो, चाहे आप नए हो या बहुत पुराने हो। तो फ्रेंड यहाँ पर आप और देखें, यहाँ पर जैसे मार्केट ने यहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ ब्रेकआउट किया है इस मूविंग एवरेज का, तो आपने यहाँ पे अपने वेट करना है, किस चीज़ का वेट करना है, वापस आने का, रिटेस्ट करने का। देखिए मार्केट यहाँ रिटेस्ट उसी कैंडल, अगली कैंडल में रिटेस्ट किया। अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपको नई ट्रेड मिल रही या नहीं करना चाह रहे, नो प्रॉब्लम, आप दोबारा वेट करें। नीचे मार्केट आई, दोबारा रिटेस्ट किया, जो बेहतरीन रिटेस्ट आप देख रहे हैं कि दोनों मूविंग एवरेज जो है वो क्लोज है इतनी, और छोटी सी हमारी यहाँ पे कैंडल भी बनी है, जिसको हम कह सकते हैं छोटी सी डोजी है। तो यहाँ पे देखें कि मार्केट बिल्कुल पावर ख़त्म हो गई, यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकती। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ट्रेड कर सकते हैं इसको, RSI को देखें, ये 50 के नीचे है, बिल्कुल 50 के नीचे है, आपको दो सिग्नल मिल गए, तीसरा यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल ने दे दिया, और यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप सेल करके या छोटा सा 10 से 15 पिप का यहाँ पे स्टॉप दें, और आप कितना गेन कर सकते हैं, आपके सामने है कि मार्केट आपको अच्छा बड़ा यहाँ से पिक कर रही है, और 153 पिप जो है बड़े आसानी के साथ आप ले सकते हैं। और फ्रेंड तब तक आप यहाँ जुड़े रहें जब तक आपको कोई ऐसी कैंडल ना मिले, जैसे फर्स्ट किया कि ये आप देख रहे हैं डोजी कह लें, छोटी सी कह सकते हैं आप, लेकिन ये है कि आपको जहाँ पे भी आप जितना प्रॉफिट आप ले सकते हैं मैक्सिमम आप उतना लें, अगर थोड़ा प्रॉफिट लेना तो थोड़ा लेके निकल जाए, अगर ज़्यादा लेना तो ज़्यादा लेके निकल जाए। कुछ लोग ये करते हैं कि छोटा प्रॉफिट लेते हैं, आप यहाँ से प्रॉफिट यहाँ से सेल करके यहाँ निकल सकते हैं 26 पिप लेके, फिर वेट करें, फिर आप देख रहे हैं कि बेहतरीन यहाँ से यहाँ पर रिजेक्शन हुई है, और बेहतरीन यहाँ पर आपको एक दोजी शक्ल की एक आपको अच्छी यानी कैंडल मिल रही है, यहाँ से फिर आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पर फिर निकल सकते हैं, आप 50 पर पिप यहाँ पर ले सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है और आप किस तरीके से कमाना चाह रहे हैं। फ्रेंड यहाँ पे भी सेम वही पोजीशन है, आपको रिटेस्ट की बेहतरीन यहाँ से ट्रेड मिल रही है, और 200 पिक की ट्रेड है। यहाँ से बाय की हम देख लेते हैं, यहाँ जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, सेल में आई, यहाँ से आस्ता आस्ता क्रॉस करके बड़ी कैंडल को क्रॉस के साथ क्रॉस किया इसने, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ऊपर क्रॉस करके एक नई कैंडल बनाई, मार्केट ने यहाँ पर इतना रिटेस्ट नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर आपकी मूविंग एवरेज जो है 50 के ऊपर है, यहाँ से आप यहाँ से बेहतरीन यहाँ क्यों आपकी एक अच्छी ट्रेड बन रही है कि आप देख रहे हैं कि आपकी रिजेक्शन हुई है, मार्केट ऊपर से नीचे आई है, नीचे से फिर ऊपर चली गई है, इसका मतलब है कि मार्केट में नीचे जो सेलिंग थी वो जो उसका प्रेशर था वो ख़त्म हो गया, बाइंग में आ गई, यहाँ से आप बाय करके एक लंबा प्रॉफिट 200-250 पे भी यहाँ से आप ले सकते हैं। फ्रेंड अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाएँ हम 15 पे भी, तो वहाँ पर भी आपको दे देते हैं, आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो आप देखें यहाँ पर आपको M15 में जैसे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तो यहाँ से आपको बेहतरीन ट्रेड मिल रही है, आप लें यहाँ से, मज़े करें, इंजॉय करें, लेकिन प्रैक्टिस पहले करें। यहाँ देखें आपको बेहतरीन ट्रेड मिल रही है, लेकिन बड़ी जो 50 वाली मूविंग एवरेज है उसका ख्याल करना है कि वो जब क्रॉस हो उसके बाद जब रिटेस्ट करे, चाहे वो फिर वो वाइट वाली जो है 30 वाली को रिटेस्ट कर ले, चाहे वो 50 वाली को रिटेस्ट कर ले, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन
आपने आरएसआई का ख्याल करना है कि क्या वो 50 के नीचे या 50 के ऊपर है। यहाँ आवर बाइंग आवर सेलिंग की आप नहीं कर रहे, यहाँ से हम आरआईसी से जो काम लेना चाह रहे हैं वो काम ये है कि हम ट्रेंड की ट्रेड ले रहे हैं आरआईसी के साथ मिला के, ना कि बेसिकली यहाँ पे आरआईसी को लूज ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और बॉट ओवर सेल पे। लेकिन यहाँ पे जो हम काम ले रहे हैं वो ये नहीं है, हमारा काम ये है कि हम ले रहे हैं इसको ट्रेंड की ट्रेड को हम कैसे कंफर्म करें, कैसे हम मजबूत करें जिससे हम बेहतर से बेहतर प्रॉफिट ले सकते हैं। फ्रेंड ये देखें 15 मिनट की दोबारा आप रिटेस्ट देखें, यहाँ पे कितना ज़बरदस्त ट्रेड और है भी M15 और यहाँ पे 140 पे यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। तो फ्रेंड ये आपके सामने स्ट्रेटजी है, बाकी इंशाल्लाह मूविंग एवरेज में और भी बेहतर 2-3 स्ट्रेटजी आपको और भी अच्छी अच्छी आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो आपको अच्छी लगती है आप उसको अडाप्ट कर सकते हैं। आप पहले प्रैक्टिस करें, डेमो प्रैक्टिस करें और देखें किस पे आप बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं, आपका हाथ बेहतरीन है जिससे आपको कोई मसला मसाइल भी ना हो, टाइम भी ज़्यादा ना आपका सर्फ हो। अगर आप स्टूडेंट है तो ज़ाहिर आपके पास थोड़ा टाइम होगा, अगर आप बिजनेस या कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास लाजमन इतना टाइम नहीं होगा। हाँ अगर फुल टाइम ट्रेडर हैं तो फिर आप बैठ सकते हैं फुल टाइम, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में तब बैठें जब आप समझते हैं 2-3 घंटे या 4 घंटे आपने बैठ रहे हैं, तो आप छोटा टाइम फ्रेम पकड़ के यहाँ से अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं आप H1 H4 पे भी आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है, आप काइंडली इसको प्रैक्टिस करें। कोई सवाल हो आपका इस बारे में, इस वीडियो के बारे में कोशिश किया करेंगे, जो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ उस बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप किया करें, बजाय इसके कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ तो आप किसी और स्ट्रेटजी हम उससे पूछ रहे हैं, जब वो स्ट्रेटजी बताऊँगा तो फिर आप काइंडली वो पूछें जो उसके मतलब सवाल होगा। तो ये फ्रेंड जो आपने हमने आपके साथ जो डिस्कस की ये अपनी तरफ से समझे बेहतरीन स्ट्रेटजी, आप बेहतरीन यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी फ्रेंड तो जहाँ पे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि फॉरेक्स स्टॉक का स्टॉक मार्केट का काम जो है जो कमोडिटी का जो शेयर का काम या इंडेक्स का काम, अगर आप बेहतरीन यहाँ से पैसे कमा सकते हैं आपकी अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ ये रिस्क की काम है। अगर आपको अच्छा नहीं आता, आप नहीं अच्छा सीखे, आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं है, ट्रेनिंग ठीक नहीं है, आपका जो गुरु है वो ठीक नहीं है, आपको गाइड नहीं कर रहा, सही गाइड नहीं कर सका, तो ये प्लीज़ आपके लिए एक बड़ी वार्निंग है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये बहुत आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, लर्निंग करें, जब आप परफेक्ट हो जाएँ फिर आप लाइव। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप मौजूद है, आप कोई सवाल हमसे पूछ सकते हैं रिलेटेड वीडियो के बारे में जो हमने आपके साथ डिस्कस की है, और हमारा फेसबुक का पेज है इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और यूट्यूब का चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना काइंडली भूलिएगा, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम तक पहुँचे, टाइम पर आप तक पहुँचे और आप टाइम पर हमारे साथ चल सकें और बेहतरीन से बेहतरीन जो हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, जो स्ट्रेटजी ट्रेडिंग की लेके आ रहे हैं उसके मतलब आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया फ्रेंड, नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।